गाइस फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज फाइनली हम लोग देखे लिया राज दरबार। अभी अंदर तो जस्ट आ रहे हैं हम लोग। अभी टाइम हो रहा है 12:53, 1 बज रहा है ऑलमोस्ट। हाँ, अंदर महल के अंदर सिर्फ 2 घंटा लगा घूमने में। यूनिक चीज है अंदर में। आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे एक बार जरूर आइए यहाँ में, एक बार देखिए आप लोग आके। उसे क्या क्या चीजें बता दी? उनका गाड़ी है, रानी का बग्गी है, अभी गोल्डन बग्गी है, पूरा गोल्ड बग्गी जो है, पूरा चक्का भी पूरा गोल्डन का है, और फिर डायमंड का ताज है। और उसके बाद क्या नाम पता, क्या था, कौन सा दिया था, क्या थी वो गाड़ी दिया था? हिटलर भी गाड़ी दिए है वहाँ में, 1800 कुछ का गाड़ी भी है वहाँ में। उसका वो है सब, क्या बोलते हैं उसको, मर्सिडीज है। और जो गोल्डन बग्गी है वो एलिजाबेथ गिफ्ट की थी उनको। उसका बाद हर जानवर का मतलब सोरेस टाइगर सब चीज का, चमड़ी का जो होता है स्किन का सब, रियल का वो भी, रियल का फिर मोर सब रखा है। और उसका बाद नेपाल का जितना सब सोना का है सब, बहुत कुछ है अंदर। आप आइए एक बार देखिए, इनका पीढ़ी बाय पीढ़ी उसका हिसाब से सब जान का फोटो डेट ऑफ बर्थ सब दिया हुआ है। एक बार आके जरूर देखिए। उनको जो गोली मारा था 9 जगह भी देखे हैं, बहुत खराब लगा। जहाँ उनका गेम था ना, वो लोग क्या एडबुल पूरा हाँ वहाँ खेलते थे, वहीं पर दौड़ा के उनको मारा गया था, बहुत खराब लगा। गोली का दागी सब है वहाँ पर। 2001 तक उनका शासन था यहाँ पे, 2001 के बाद यहाँ पे सरकार शासन चला रही है। क्या बोलेंगे, बहुत खराब लगा देख के। आप देख सकते हैं अंदर कैमरा वमरा अलाउ नहीं है, ना ही फोन अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है आपको। बहुत टाइट चेकिंग है, हर जगह CCTV कैमरा है, ना आप छू सकते हैं ना ही कुछ। मगर आप आइए एक बार विजिट जरूर करिए, एक बार विजिट आप लोग आके जरूर। हाँ पूरा फैमिली को एक बार आप जरूर विजिट करिए। ये इन होने वाला गेट है, यहाँ हर जगह चेकिंग होता है। और यह आउट होने वाला गेट है, देख लीजिए बच्चा लोगों का भीड़ अभी निकलेगा, लोग निकल के आया है। यहाँ देख लीजिए गेट है, आज ओपन है। 2 दिन तो आप लोगों के साथ दिखा नहीं पाए, मगर आज दिखा दिया जरूर, ठीक है। यहाँ आएंगे वहाँ लॉकर है, लॉकर में सामान रखना होगा उधर में, बिकॉज जस्ट वहाँ मिलता है, वहाँ लॉकर रहेगा, आपको चाबी दे दिया जाएगा, सामान रखिए, अपना पर्स रखिए, सब चीज़। कोई नशीला पदार्थ भी नहीं, ना ही गुटखा उटका, ना ही कुछ नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बाद में आप लोग आएंगे तो आसान रहेगा। अरे देखिए मैप, देख लीजिए मैप, आप लोग देख सकते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी आगे जाएंगे, अभी बुद्ध भगवान वाला जो जगह है वहाँ जाएंगे, वहाँ भी वेरी एक्साइटेड है। हर चीज़ को हम, हर ब्लॉक को हम हाफ हाफ डाल रहे हैं, किसी लंबा हो जा रहा बहुत। सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप निकलते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ मेरा टिकट मिलता है, ठीक है, भीड़ है बगल में, जस्ट मेरा लॉकर है, लॉकर में अपना सब सामान रखिए, चाबी रखिए। राजा का नाम त्रिभुवन था। हाँ राजा का नाम त्रिभुवन था, त्रिभुवन वीर वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव वो था, और ये राजा था। हाँ नरेंद्र वो वीरेंद्र वीर विक्रम शाह था वो। बहुत कुछ है यहाँ में, देखिए गेट सिक्योरिटी बहुत टाइट रहता है यहाँ में, इसलिए सो प्लीज आप लोग सब, कोई ज्यादा आप लोग ये मत सोचिए कि फोन लेकर चल जाएंगे, कुछ भी लेकर चल जाएंगे, नहीं सकेंगे आप लोग। 3-3 जगह चेकिंग होता है, हर जगह चेकिंग, हर जगह मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है, बॉडीज चेक किया होता है, तो मेटल हल्का भी मेटल आवाज करने लग जाता है, समझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो रहता तो ऐसा मैं अंदर लेके चल जाता। जस्ट यहाँ में दुर्बार मॉल है, वहाँ जस्ट यहाँ सामने मॉल, उसका फ्रंट में ये है, देख लीजिए वे, देख लीजिए रास्ता, ये जगह है, मैं आपको राउंड करके दिखा सकता हूँ। तो आप आइए और विजिट जरूर करिए। अभी जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे पापा, कहाँ जाएंगे पापा, अभी कहाँ जाने वाले हो जी? ये बीच वाला शिप फाउंड है ना, आज ये वहाँ के लिए स्वयंभू क्या है वहाँ पे, बुद्ध भगवान का है, अभी वहाँ चलिए, वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। यही जगह है, अब जा रहे हैं हम लोग आगे, निकल रहे हैं, मॉल है जस्ट बगल में, ट्रैफिक बहुत है यहाँ में, ट्रैफिक लगता है हमें। सो प्लीज़ आइए एक बार जरूर विजिट करिए, ओके।
नेपाल के रोड में चल रहे हैं अभी, हम लोग जा रहे हैं दूसरा जगह। कैसा लगा ब्लॉग? व्लॉग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, जो न्यू है प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, है ना जमुना? कैसा लगा जमुना? बहुत अच्छा। और आएगी दोबारा ना? हाँ। दूसरा लोगों को क्या बोली जाएगी कि आने आने के लिए ना? हाँ। आप लोग विजिट कीजिएगा यहाँ, अच्छा जगह, यूनिक यूनिक चीज़ है, हम लोग बता नहीं पा रहे बहुत कुछ है। बड़ा बड़ा झूमर है उसका, बहुत कुछ है, बहुत जानवर लोगों का भी कुछ कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है ओरिजिनल। सब देश का जो जो आता है सबका अलग अलग जगह है। वहाँ में आपको घोड़ा का भी दिखेगा, आपका पूरा नीचे का नाल पैर जो होता है ना वो भी रखा हुआ है सजा के, एक यूनिक पीस, एंटिक पीस। लगो से बताएगी क्या क्या था वहाँ में, बहुत कुछ है। सबका वेटिंग रूम था, अलग अलग देश से जो भी जाता था वहाँ पे राजा से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, उसका मीटिंग रूम अलग था, फिर डिनर रूम अलग था, फिर वेटिंग करने के लिए रेस्ट रूम अलग, वो अलग था। मतलब इतना बड़ा था, इतना बड़ा, दो घंटा ढाई घंटा हम लोग को सिर्फ पैदल चल चल के हम लोग देखे उनका महल और उनका अंदर और एक पैलेस है जो वो अपने से अपना मन पसंद बनवाए थे, जहाँ पे सिर्फ वो और रानी जाते थे। और हेलीकॉप्टर है उनका, अपना एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर, फिर प्लेन, फिर उनका जो बच्चे लोगों का जो गार्डन था वो हम लोग का जुबली पार्क देखे है ना, उससे चार गुना बड़ा है, बहुत बड़ा गार्डन था, बच्चों लोगों को खेलने के लिए था, स्विमिंग पूल रखा हुआ था, एसी भी था, पता ये उस समय का टाइम में एसी था, एसी भी यूनिक, कार था बच्चों लोगों का, तीन तो कार था सबका, फिर सबका जितने भी उनके बेबीज थे, प्रिंसेस थी, उनका पूजा रूम अलग था, रेस्ट रूम अलग था, सब कुछ मतलब अलग अलग था उनका। फिर मुकुट उकुट सब सोना का था, हीरा का, इसलिए वहाँ कैमरा वमरा अलाउ नहीं है। रानी का जो था ताज वो भी हीरा का था, जो राजा का था ताज वो भी हीरा का था, फिर उनका जो रानी का गोल्डन बग्घी था वो तो देख के मजा ही आ गया, सब कुछ गोल्डन का था वहाँ का। और क्या बताएं, बहुत कुछ था इससे ऐसे, और इतना बड़ा बग्घी था वहाँ पे, जहाँ पे राजा बैठते थे राज दरबार, जहाँ उनका गद्दी था वहाँ पे भालू का ओरिजिनल खाल लगा हुआ था, कारपेट बना हुआ था, फिर उसके बाद जगह जगह हमें कहीं पे लेपर्ड था, कहीं लॉयन था, कहीं पे मोर था, फिर राइनासोर था, फिर हिरन तो बहुत ही सारा था, फिर हिरन का सिंह सब एक से एक प्रकार का, जंगली भैंसा होता है जिसका लंबा लंबा सिंह होता है वो था, उसका सबका मुंडी कटा हुआ था, वो सारा ओरिजिनल था, सबको सुखा के सबका खाल को रखा था, फिर मगरमच्छ का खाल को भी रखा गया था, डाइनिंग हॉल था बड़ा सा, मिरर था बड़ा बड़ा, और मिरर तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, हम लोग का दो रूम भी नहीं है जितना बड़ा वहाँ का एक मिरर था, मिरर में तो हम लोग पता नहीं हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, ऐसे मुंडी करके देखना पड़ रहा है, इतना बड़ा मिरर है। उसके बाद हमें टेलीविजन पुराना वाला कच था, मेकअप का श्रृंगार रूम, उसमें अभी भी कितना सारा सैंड रखा हुआ है जो रानी लगाती थी, यूज करती थी, और सब देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, लग रहा है कि देखने से लग रहा हम लोग कहाँ आ गए हैं, बाहर था बाहर, वहाँ भी जो दारू है ड्रिंक करने वाला उसे भी बहुत पुराना पुराना बॉटल सब भी रखा हुआ है उनका, जो यहाँ के किंग पीते थे, ड्रिंक करते थे कभी कभी, वो सब भी रखा हुआ है सारा, उनका बॉटल रखा हुआ है, सब कुछ टोटल ए टू जेड सामान रखा हुआ है, जैसा का वैसा ही पूरा नीट एंड क्लीन। यहाँ का देख लीजिए रास्ता भी कितना नीट एंड क्लीन रहता है। तो हम लोग साथ बने रहिए, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ बुद्ध भगवान का आना, चलिए देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए, और भी बहुत कुछ दिखाते रहेंगे काठमांडू के, पूरा टूरी खेल मैदान है, टूरी खेल मैदान है यहाँ का काठमांडू का फेमस, देख लीजिए हम है, गेम हो रहा है अभी, ये है टूरी खेल मैदान, यहाँ स्पोर्ट्स होता है ना, हाँ स्पोर्ट्स होता है, देख लीजिए रनिंग वाला जगह, बहुत बड़ा मैदान है यहाँ का, फुटबॉल वुटबॉल भी होता है ना, फुटबॉल गेम होता है यहाँ में, देख लीजिए पूरा रोड का किनारे में है,
देखिए यहाँ भी कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तारा रहा उस ग्राउंड है। काठमांडू को घूमने लाया धरारा सबसे टॉप में है।